अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी साइंस की वर्किंग है, उसमें हमने पेज नंबर 44 की रीडिंग एंड 48 का बुक वर्क करना है। पेज नंबर 48 पे हमारे पास रीडिंग में है, सीड्स कैन बी कैरिड बाय वाटर, के कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो पानी जो है वो अपने साथ बह के ले जाता है, बहा ले जाता है। द फार्मर कलेक्ट सीड्स, के कुछ जो है फार्मर जो है वो बीज जमा करते हैं एंड प्लांट देम इनटू द सॉइल, और उसको फिर ज़मीन में बोते हैं। उसके बाद है दे मे बी बरीड बाय एनिमल्स एज अ फूड स्टोर, के ये जो है कुछ एनिमल्स जो है वो अपने फूड स्टोर भी यूज़ करते हैं उसको। उसके बाद है जर्मिनेशन, सीड्स यूजली हैव अ हार्ड कवरिंग, सीड्स यानी बीज, जर्मिनेशन का मतलब होता है उगना, कि सीड्स जो है उनकी जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है। इनसाइड ईच सीड देयर इज़ अ बेबी प्लांट, हर इन बीज के जो अंदर है वो एक बेबी प्लांट होता है। आपने देखा होगा कि हमने जब मैंगो का सीड देखते हैं तो उसकी जो कवरिंग है वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि हर बीज के अंदर एक जो है वो बेबी प्लांट होता है। व्हेन अ सीड इज़ पुट इनटू द सोइल एंड गेट्स इनफ वाटर, सनलाइट एंड एयर, के जब एक बीज को हम लोग ज़मीन पर बोते हैं और उसको जो है पानी और सनलाइट और एयर जब मिलती है, सूरज कृष्ण में मिलती है, इट कैन ग्रो इंटू ए न्यू प्लांट्स, के वो जो बीज है वो एक नए प्लांट में उगता है, यानी वो नष्ट वहाँ कर हासिल करता है। वी कैन सी डैट द सी हैज जर्मिनेट, के जो सीड है वो उसकी जर्मिनेशन यानी वो उगना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर उन्होंने हमें एक लाइफ साइकिल बताया हुआ है कि पहले हम एक सीड जो है उसको ज़मीन में बोते हैं, फिर द सीड बिगिंस टू ग्रो, जो उसका बीज है वो उगना शुरू कर देता है। उसके बाद उसके अंदर से एक जो है वो रूट्स पेयर होती हैं, उसके बाद अब वो शूट पुशेस एंड बिगिंस टू ग्रो, तो अब वो जो शूट्स हैं उसकी वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद है टिनी रूट्स टेक इन वाटर, जो उसकी टिनी रूट्स हैं वो वाटर अब्जॉर्व करना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद होता है शूट ग्रोज ग्रीन लीव्स, उसका जो शूट होता है वो ग्रीन लीव्स ग्रो करता है। ये इस तरह उन्होंने बताया हुआ है कि एक बीज से किस तरह एक प्लांट ग्रो करता है। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की रीडिंग है, इसको अच्छे से आप लोगों ने रीड आउट करना है।